आप नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ टाइम्स। हमारे साथ मौजूद है इदरीस खान साहब। इनकी अहलिया तकरीबन 2 साल से अलील हैं, इन्हें दिमाग का पैरालाइज हुआ है और काफ़ी महंगा इलाज इनका चल रहा है। और आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार भी लोगों का बंद है, ये बहुत ही परेशानी के आलम में है। आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनसे कुछ अपील करना चाहते हैं। जी इदरीस भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इदरीस खान है, ये शहनाज बेगम 2 साल से पैरालाइज पेशेंट है। इनके बॉडी पे नहीं, दिमाग के अंदर मारा है पैरालाइज, तो उसके वजह से स्ट्रोक ऐसा हुआ कि पूरी बॉडी पे असर आया, पूरी नसें जाम हो गई, ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है, सिर्फ कुर्सी पे बैठना और लेटना है, संडास पिशाब कुछ भी नहीं, यानी कि करवट भी नहीं ले पाती हैं। तो अभी क्या इनका इलाज चल लिया है, लेकिन पूरी तरीके से पैसे की वजह से हो नहीं पाया, तो ये केस एकदम लेट होता चला जा रहा है। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या कौन सा इलाज करना पड़ेगा, क्या फिजियोथेरेपी क्या बता रहे हैं? फिजियोथेरेपी साथ में कराना ही पड़ेगी। और फिजियोथेरेपी अभी क्या है, मतलब केस जैसे हो गया ना, तो इनको ज़्यादा से कराना पड़ेगी। पहले तो क्या दो चार महीने की बात थी, अभी हो सकता है 6 महीने या साल भर भी लग जाए। तो आप क्या दर्शकों से अपील करना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ऐसी कोई मेरी मदद हो कि इलाज के साथ साथ उनकी फिजियोथेरेपी कराएं, क्योंकि फिजियोथेरेपी का खर्चा ज़्यादा है, तो वो मेरे पास है ही नहीं। आप अपना मोबाइल नंबर दे दें ताकि लोग कांटेक्ट करें आपसे। मैं नंबर बताता हूँ आपको, नाइन 3 7 2 1 6 8 4 4 6। नाज़रीन ये जो मोबाइल नंबर बता रहे हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इनकी जो हालत जो देख रहे हैं आप, बहुत ही ख़राब हालत है और डॉक्टरों ने बहुत जल्द इनके इलाज के लिए कहा है। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। इदरीस खान साहब से एक बार फिर नंबर दोहराते हैं अपना, आप 9 3 7 2 1 6 8 4 4 6। तो ये इनका नंबर है, मोबाइल नंबर इदरीस साहब का। ये रहते हैं यहाँ संतोष नगर में, शिरीन अपार्टमेंट सेम विंग 3rd फ्लोर पर, और इनका फ्लैट नंबर जो है वो 307 है। 307 में इदरीस खान साहब रहते हैं। आप आकर यहाँ बिलमुशाफा देख भी सकते हैं। और चूंकि पेंडेमिक है, आप सभी से दरख्वास्त है, अपील है हमारे चैनल के माध्यम से भी कि इनकी मदद करें, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं, ताकि इनकी अहलिया जो है वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएं। अल्लाह करे सेहतियाब होकर ये अपने पैरों पर दोबारा चल सकें। आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब कंडीशन है और लॉकडाउन ने काफ़ी हालात लोगों के ख़राब कर रखे हैं। ऐसे में एक दूसरे की मदद करना ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्विस टू मैन ही सर्विस टू गॉड। हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप सभी से अपील करेंगे, जो मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके ज़रूर इनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएँ।